हेलो बच्चों, तो आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 12th। तो देखिएगा, एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इवेल्यूट द गिवन डिटरमिनेंट्स, दिस वन। उसने आपको एक डिटरमिनेंट दिया है और ये आपको इवेल्यूट करना है बच्चों। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास डिटरमिनेंट 2 बाई 2 ऑर्डर का होता है तो आप इसकी इंटू इसमें करेंगे, 2 इंटू -1, क्लियर। माइनस माइनस 5 की इंटू 4 में करेंगे तो -5 इंटू 4, ठीक। तो देखिएगा, 2 इंटू -1 -2, माइनस -5 इंटू 4 -20, क्लियर। तो देखिएगा, -2 -+20 = 18, दैट इज योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपको 2 बाई 2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट दिया है, इसको भी आपको एवल्यूट करना है। एवल्यूट मीन्स आपको इसकी एक यूनिक वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम। तो देखिएगा, cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, क्लियर। cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा -माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चों, आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा = 1 होता है, दैट इज योर आंसर। तो देखिए, एक्सरसाइज 4.1 में 2 बाई 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का इवेल्यूट करना काफ़ी इजी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारा, इन डिटरमिनेंट x² - x + 1 x + 1 x - 1 x + 1। तो ये आपके पास 2 बाई 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है जिसको आपको इवेल्यूट करना है। तो सेम प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो x + 1 × x² - x + 1, क्लियर। माइनस दिस इंटू दिस, x + 1 × x - 1, ठीक बेटा। तो देखिएगा, x + 1 × x² - x + 1, बच्चों आपको याद हो ये एक फॉर्मूला है, आपने पढ़ा है, a³ + b³ = होता है a+b² + b² - ab। ये फॉर्मूला बेटा आपने 9th क्लास से पढ़ा है, ठीक है। a³ + b³ = a+b × a² + b² - ab। तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ यूज करेंगे। तो अब देखिएगा, x + 1 a+b, a² + b² - ab। तो ये इक्विवेलेंट किसके हैं, ये x³ + 1³ के इक्विवेलेंट है। ये होल थिंग x³ + 1³ के इक्विवेलेंट है, माइनस x+1 × x - 1। a+b × a - b क्या होता है, a² - b² होता है, तो x² - 1² क्लियर। तो आगे देखिएगा, x³ + 1³ = 1 - x². जब आप इस माइनस के इंटू अंदर करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, ठीक। तो नाउ x³ - x² + 2, दैट इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ़ ए इक्वल मैट्रिक्स 1 2 4 2, सो दैट डिटर्मिनेंट 2A इक्वल 4 डिटर्मिनेंट ए। आपको उसने एक डिटर्मिनेंट दिया है 1 2 4 2, इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाई 2 ऑर्डर है इसका। इसमें नंबर ऑफ रो भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। आपको प्रूफ करना है 2A का होल डिटर्मिनेंट इक्वल 4 डिटर्मिनेंट ए, ये आपको प्रूफ करना है। तो जो पार्ट आपको प्रूफ करना है उसका आप LHS देखिए।
तो पहला क्वेश्चन है 2A, तो देखिए 2A इक्वल होगा 2 इंटू 1 2 4 2, ठीक। और मैंने आपको बताया था कि जब किसी मैट्रिक्स को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर की मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट में होती है। तो देखिएगा 2A इक्वल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, क्लियर। आपके पास गिवन मैट्रिक्स A था, आपने इसकी हेल्प से मैट्रिक्स 2A बनाया है, ठीक है। अब आपको इस 2A का निकालना डिटरमिनेंट, तो देखिए डिटरमिनेंट 2A इक्वल 2 4 8 4 इन बार। जब भी हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो हम एलिमेंट्स को दो बार के बिटवीन लिखते हैं, क्लियर। सेम प्रोसेस 2A डिटरमिनेंट इसके इंटू इससे 2 4 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 8 माइनस 32 आपका ये हो गया 24। तो डिटरमिनेंट 2A इक्वल माइनस 24, ये आपका LHS का आंसर है, क्लियर। अब हम इसका पिक करते हैं RHS, तो RHS देखिए आप इसमें क्या है, 4 डिटरमिनेंट A है, 4 इंटू डिटरमिनेंट A इज वैल्यू आपके पास कितनी है आप यहाँ निकालिए। देखिए उसने आपको A दिया था, सिंस A इक्वल 1 2 4 2 है आपके पास, ठीक है। आपको डिटरमिनेंट A फाइंड करना है, तो डिटरमिनेंट A इक्वल होगा 1 2 4 2 इन बार। सेम प्रोसेस 1 2 जा 2 माइनस 4 2 जा 8 इक्वल माइनस 6। डिटरमिनेंट A की वैल्यू आपके पास माइनस 6 है, तो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट A पुटिंग इन RHS, तो नाउ 4 इंटू माइनस 6 इक्वल माइनस 24, तो हैंस प्रूफ। आप देखिए आपका LHS भी माइनस 24 आया था और आपका RHS भी माइनस 24 आया था। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है ये, फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1 NCERT क्लास 12 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने आपको दिया है, कोई मैट्रिक्स दिया है उसने 3x3 ऑर्डर का, उसने प्रूफ करवाया आपसे 3A डिटरमिनेंट इक्वल 27 इन A डिटरमिनेंट, आपको ये प्रूफ करना है। तो बच्चों देखिएगा आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, तो सबसे पहले आप इसका निकालेंगे डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट का काम क्या होता है कि उसे इवोल्यूट करना, गिवन मैट्रिक्स को इवोल्यूट करना, ठीक है। उसके बाद हम इस अपने प्रूफ करने वाले पार्ट को प्रूफ करेंगे। तो देखिएगा डिटरमिनेंट A इक्वल 101 01 2 004, क्लियर। और मैंने आपको बताया था अगर आपके पास डिटरमिनेंट 3x3 ऑर्डर का है तो आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के एलोंग उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। बट हम रो और कॉलम वो चूज़ करेंगे जैसे मैक्सिमम 0 होती हैं। इसका पर्पज़ ये होता है कि मैक्सिमम 0 वाला रो और मैक्सिमम 0 वाला कॉलम चूज़ करने से आपको सिंप्लीफाई कम करना पड़ता है। दो कैसे, आप देखिए R1 में 10 है, आपका R2 में 10 है, बट आपका R3 में 20 हैं और आपका C1 में भी 20 हैं। तो आप इसका एलोंग एक्सपेंशन कर सकते हैं R3 के एलोंग या C1 के एलोंग। तो देखिए एक्सपेंडिंग एलोंग C1, क्लियर। और मैंने आपको बताया था कि 3x3 ऑर्डर डिटरमिनेंट के लिए जो आपको सिंबल लेने वही लेने हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्लियर। तो आप C1 के एलोंग इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो देखिएगा C1 के एलिमेंट क्या है, पहला एलिमेंट 1 है, 1 कैसा है, पॉजिटिव है, तो प्लस 1, फिर आपका रिमेनिंग एलिमेंट्स देन 1 2 0 4, क्लियर। ये जो 1 एलिमेंट था
ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो एलिमेंट आप इग्नोर करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट को आप लिखेंगे इनडिटर्मिनेंट। ठीक, C1 का आपके पास दूसरा एलिमेंट है जीरो, और जीरो कैसा है माइनस, तो माइनस जीरो, तो जीरो आपका फर्स्ट कॉलम में है और सेकंड रो में है, तो आप लेंगे 01 04 01 04। क्लियर। थर्ड एलिमेंट आपके पास जीरो, ये कैसा है पॉजिटिव, तो प्लस जीरो। अब इसका देखिए 01 12। क्लियर। अब देखिए, अब डिटर्मिनेंट ए इक्वल 1 × 4 1 × 4 माइनस 0 × 2। क्लियर। तो बच्चों देखिए, मैंने जो आपको बताया था कि आपको वो रो चूज करनी है या वो कॉलम चूज करना है जिसमें मैक्सिमम जीरो होती है, तो देखिए आपने C1 लिया था तो इसमें मैक्सिमम दो जीरो थी, तो आपको इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो आपके पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई, 4 - 0 ओनली 4 आया आपके पास। क्लियर। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आपके पास, 4। ठीक है, अब हम इसका एलएसएस पार्ट पिक करते हैं। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है, अब देखिएगा आप आपका डिटर्मिनेंट ए आया है 4। क्लियर। आपको पहले फाइंड करना है 3A। तो बच्चों देखिएगा, 3 मैट्रिक्स 1 0 1 0 1 2 0 0 4। क्लियर। और मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स में जब भी हम किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर की मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट में होती है, तो 3A इक्वल 3 0 3 0 3 6 0 0 12। क्लियर। अब आपको इस 3A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट 3A सेम प्रोसेस जिसमें मैक्सिमम जीरो है, तो मैक्सिमम जीरो किसमें, C1 में है, तो आप C1 के अलोंग करेंगे और पहला एलिमेंट कैसा होता है पॉजिटिव होता है, तो प्लस 3 लेंगे बच्चे आप। तो देखिएगा प्लस 3, तो प्लस 3 का मतलब है आपके पास 3 6 0 12। ठीक है, आगे के एलिमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है आपको कि सारे एलिमेंट्स आपको जीरो हो जाएंगे आगे। तो 3A डिटर्मिनेंट इक्वल 3 12 3 36 माइनस 0 × 6 0, तो 3 × 36 108। तो आपका 3A डिटर्मिनेंट कितना आया आपके पास, 108 आया। ठीक है, इट इज़ ए एल एच एस। अब हम पिक करते हैं RHS, तो राइट हैंड साइड इज 27 डिटर्मिनेंट ए, तो 27 × A कितना के पास, 4। ठीक है, 108। तो आप देखिए, जो आपका LHS था वो आपके RHS के इक्वल आ गया, तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 इज ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल पार्ट्स टू टू सेम पार्ट्स हैं, तो आप इसे कोई एक पार्ट समझ लीजिए और रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। तो देखिए, आपको इसका इवोल्यूट करना है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का इवोल्यूट आप किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हैं। ठीक है,
अब पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होती है कि आपको वो रो या वो कॉलम चूज़ करना होगा जिससे मैक्सिमम जीरो होती है। तो इसमें R1 में, R3 में, C1 में और C3 में सब में एक जीरो है। तो आप इसका R1 कह लो या R3 कह लो या C1 कह लो या C3 कह लो, इसका एक्सप्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए, एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन तो देखिए इम्प्लाइज दैट, आप जानते हैं कि 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए ये सिंबल्स होते हैं। और मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि सिंबल कैसे आए थे। ये सिंबल्स आपके आते हैं एलिमेंट के एड्रेस से कि एलिमेंट का एड्रेस क्या है, किस रो में है, किस कॉलम में है, उसके रो और कॉलम को ऐड करके -1 की पावर कर देते हैं। ठीक है, तो आप R1 क्या अलोंग कर रहे हैं, तो R1 का पहला एलिमेंट क्या है, जीरो। जीरो कैसा है, पॉजिटिव, तो +0। जीरो आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो इन एलिमेंट को आप इग्नोर करेंगे। रिमेनिंग क्या बचा, 0 -3 3 0। क्लियर। आपका सेकेंड एलिमेंट है R1 का 1 1, कैसा है, नेगेटिव, तो -1। 1 जिस रो को और जिस कॉलम को बिलोंग करता है उसे आप इग्नोर करेंगे, तो बचा क्या आपके पास, -1 -3 -2 और 0। क्लियर। थर्ड एलिमेंट आपके पास 2 2, कैसा, पॉजिटिव, तो +2। तो 2 जिस रो को और जिस कॉलम को बिलोंग करता है उसे आप इग्नोर करेंगे, -1 0 -2 और 3। ठीक। तो बच्चे देखिए, इसको सॉल्व करने से कोई बेनिफिट नहीं है कि जीरो से मल्टीप्लाई हो रही है, तो जीरो से मल्टीप्लाई करने पर होल जीरो हो जाएगा आपके पास। इसको देखिए आप, -1 -1 × 0 0, -2 × -3, तो +6 हो जाएगा आपके पास ये। ठीक है, +2, -1 × 3 -3 -2 × 0 0। क्लियर। तो देखिए, 0 less 6, तो -6 हो जाएगा आपके पास, -6 × -1 +6, -3 और +2, तो -6, +2 और -3 -6, दैट इज ए 0। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के आपको 4 पार्ट दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। ठीक है, सेम ऐसे होंगे सारे पार्ट्स। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको उसने एक डिटरमिनेंट दिया है और उसकी वैल्यू पूछी है, तो इसे भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 6 है, a = 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9, और आपको वैल्यू निकालनी है डिटरमिनेंट ए की। क्लियर, ये आपको फाइंड करना है। तो बच्चों देखिए, मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास डिटरमिनेंट 3/3 ऑर्डर का है तो आप इसका एक्सपेंशन किसी भी रो के और किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हैं। बट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, आपको वो रो या वो कॉलम चूज करना है जिससे मैक्सिमम जीरो होती है। इससे आपको क्या होता है कि आपका सिंप्लीफाई पार्ट थोड़ा बच जाता है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस डिटरमिनेंट में एक भी जीरो नहीं है आपके पास, तो आप इसका एक्सपेंशन किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग वाइज कर सकते हैं। तो देखिए, एक्सपेंडिंग एलोंग, आप ले लीजिए इसमें C2, एक्सपेंडिंग एलोंग C2। तो आप जानते ही, मैंने बताया था आपको कि प्लस माइनस प्लस ये साइन आपको यूज करने होते हैं। तो C2 के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 1 4, यही एलिमेंट है। तो 1 कैसा है यहाँ पर, नेगेटिव है। 1 कैसा आपके पास यहाँ पर, नेगेटिव है, तो -1। अच्छा, ये वाला 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है, तो ये वाला 1 R1 में है और C2 में है, तो आपको R1 और C2 के एलिमेंट इग्नोर करने हैं। बचा क्या, 2 5 2 5
-3 -9, इट्स क्लियर। अब सी टू का एलिमेंट क्या है, वन है, वन ये कैसा है, पॉजिटिव होता है, तो +1। ये वाला वन जिस रो में है और जिस कॉलम में है, तो ये आर टू में है और सी टू में है, तो आप आर टू और सी टू के एलिमेंट्स इग्नोर करेंगे, तो रिमेनिंग क्या बचा आपके पास, 1 -2 5 -9 बचा, इट्स क्लियर। अब इसका थर्ड एलिमेंट है 4, 4 कैसा है, नेगेटिव, तो -4, तो 4 आपका सी टू में है और आर थ्री में है, आप लोग इग्नोर करेंगे, तो 1 2 -2 -3, 1 2 -2 -3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो देखिएगा इसके बाद -1 ऐसे ही, 2 -9 -18, -5 -3 5 -3, तो ये आपके पास हो जाएगा -15 -15, +1 -9 -1 -9, -5 2 -10, -4, 1 -3 -3, -2 -2 -4, क्लियर। तो अब देखिएगा आप -1 -18 +15 -+ -9 +10 -4 -3 +4, क्लियर, इट इज़ ए पार्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो -8 +15 -3 -3 -1 +3 -9 +10 +1 +1 × +1 +1 -3 + 4 + 1 +1 × -4 -4 3 × 1 = 4 = 4 = 0, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंस कैसे करते हैं। आप एक्सपेंड कर सकते हैं किसी भी रो के वाइज और किसी भी कॉलम वाइज, ठीक है। बट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि आपको मैक्सिमम 0 देखनी है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आपके दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, और दोनों ही पार्ट सेम है एज इट। तो आप इसका कोई एक पार्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट इज 2 5 4 1 इन डिटरमिनेंट इक्वल 2x 4 6x, ठीक है, और फाइंड x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में उसने आपको दो डिटरमिनेंट को इक्वल दिया है और आपसे x की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो इसे समझने से पहले आप समझिए लास्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट को। मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, तो उन्हें दो कंडीशन अप्लाई होती हैं, एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए। मैट्रिक्स में अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो दो मैट्रिक्स के आपस में इक्वल होने के लिए दो कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 2x2 का है, 2x2 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ भी आपके पास 2x2 का ही मैट्रिक्स होना चाहिए, पहला केस। दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। दूसरा केस, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 ही आएगा, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, आपने एक ही मैट्रिक्स को 2 times लिख दिया यहाँ पर। बट सर इसमें कंडीशन ऐसे ही अप्लाई होती है, अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो उन्हें दो कंडीशन ही अप्लाई होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए। जैसे इस वन का एलिमेंट, वन का एड्रेस क्या है, A11 है, तो यहाँ A11 के प्लेस पर ही 1 ही होना चाहिए, ठीक है।
तो दोनों मैट्रिक्स एक ही हैं, बट हम इस प्रॉपर्टी का यूज क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक, ये है। अब मान लीजिए उसने आपको एक मैट्रिक्स ये दिया है 1 2 3 y, और उसने आपको एक दूसरा मैट्रिक्स दिया है x 2 3 4, और बीच में उसने आपको दिया है इक्वल का साइन। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, और आप जानते हैं अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो दो कंडीशन को वेरी करेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि उनको ऑर्डर सेम होना चाहिए, देखिए इनका ऑर्डर सेम है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, बट यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा, तो x की वैल्यू आपके पास होगी 1। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 आना चाहिए, तो y की वैल्यू हुई 4 ऑन कंपेरिजन। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में अगर दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन होता है तो हम ऐसे कंडीशन को अप्लाई करते हैं। आई होप क्लियर। बट हमारा क्वेश्चन क्या है, उसने आपको क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में दो डिटर्मिनेंट को इक्वल दिया है, उसने आपको दो डिटर्मिनेंट को इक्वल दिया है। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर दो डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल है तो पहले आप उनको अलग इवेल्यूट करेंगे। अगर हम इसको इवेल्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 1 − 5 × 4, क्लियर, इक्वल। अब इसको कीजिए इवेल्यूट, 2x × x − 6 × 4, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या बताया आपको, अगर मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर आपस में इक्वल होने चाहिए और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होने चाहिए। बट इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट आप इसको अलग इवेल्यूट करेंगे, आप इसको अलग इवेल्यूट करेंगे, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट 2 − 20 = 2x² − 24, क्लियर। इम्प्लाइज दैट −18 = 2x² − 25, इम्प्लाइज दैट 2x² − 24 + 18 + 18, इम्प्लाइज दैट 2x² − 6 = 0 इक्वल 0 और x² = 3, तो x = ± √3, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.1। इफ x 2 18 x = 6 2 18 6, बेटा ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, इसमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। इट इज ए एमसीक्यू क्वेश्चन, ये आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर दो डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल होते हैं तो आप दोनों को सेपरेट इवेल्यूट करेंगे। तो देखिए x into x − 18 into 2 = 6 into 6 − 18 into 2, क्लियर। दैट इज ए x² − 36 = 36 − 36, ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो x² − 36 = 0 और x² = 36 और x = ±6, तो आपका इसका बी ऑप्शन है, ठीक है बच्चों।